हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपकी है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए, ठीक है। ट्रेड है आपकी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है डियर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि किस खाद्य सामग्री में संतृप्त वसा होती है, यानी कि जो खाने वाली सामग्री है जो हम खाते हैं, सेब, आलू, नारियल और गेहूं, भाई सब हम खाते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी सामग्री है जो जिसमें संतृप्त वसा हमें मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ राइट आंसर जाएगा कोकोनट, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है सेकंड, और पूछा है कि बैलेंस्ड डाइट इट कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें जो आहार ऐसा आहार होता है जिसमें पोषण संबंधी जो मतलब जो कमियां होती हैं, विटामिन और जो ये होते हैं वसा, प्रोटीन, हाइड्रेट, ठीक है, ये सभी हमें उस आहार में मिलते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है, ठीक है। यानी कि एक उचित मात्रा में हमें सारे पोषक तत्व मिलना संतुलित आहार कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि दूध के पाश्चुरीकरण के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है, कौन सी विधि है जो सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इसमें ऑप्शन दिया है कि होल्डर की विधि, अल्ट्रा उच्च तापमान विधि, उच्च तापमान और कम समय की विधि, और कीटाणु शोधन विधि, ठीक है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें होती है उच्च तापमान और कम समय की विधि, हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि डायबिटीज मेलिट्स इज एन इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ मधुमेह, मेलिट्स का एक महत्वपूर्ण विकार है। जो मधुमेह होता है, मधुमेह किसे कहा जाता है, जो शुगर होता है, शुगर डायबिटीज, ठीक है, आम भाषा में इसे शुगर बोला जाता है, इसी को मधुमेह हम कहते हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका मेलिट्स का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विकार जो होता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट चयापचय, ठीक है, चयापचय, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है डियर। चलिए निम्नलिखित सभी में से कौन सा समीपवर्ती सिद्धांत सिवाय के है। समीपवर्ती सिद्धांत सिवाय किसके हैं, तो ये आपसे पूछा है, ऑप्शन दिए हैं इसमें फोर, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको फाइंड करके बताना है कि राइट आंसर क्या जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो हो जाता है, जो समीपवर्ती सिद्धांत है, खनिज और विटामिन, ये हमारा राइट आंसर यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पूछा है कि प्लम्पिंग परमिट की जगह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। प्लम्पिंग परमिट की जगह के लिए कौन सा आवश्यक है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, वाटर हीटर यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, और पूछा है कि अपशिष्ट जल की निकासी के लिए प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। प्रयुक्त पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है, ये हो जाएगा आपका 75 mm, ठीक है, 75 mm इसका एक प्रयुक्त क्या बोलते हैं, न्यूनतम व्यास हो जाता है, न्यूनतम मतलब मिनिमम डायमीटर, ठीक है, 75 mm, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ है, और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है। तो जल प्रदूषण जो होता है, ये कौन सा, इसमें पूछा है आपसे, चार ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा प्रभाव है जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ आपका पानी के बहाव में कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। देखिए पानी के बहाव में कमी होगी, यानी कि पानी रुक रुक के चलेगा, रुक रुक के चलेगा, यदि उसमें कोई कचरा है तो वो भी उसमें रहेगा और सड़ेगा, गलेगा, मच्छर मक्खियाँ उससे उत्पन्न होंगे, तो
तो ये ही यहाँ से आपका क्या हो जाता है कि पानी यानी कि जल प्रदूषण ये हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि द स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल इज अनसुटेबल फॉर छलनी प्रकार का ट्यूबवेल किसके लिए अनुपयुक्त है। छलनी प्रकार का ट्यूबवेल किसके लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यानी कि जो छोटे छोटे जो रेतीली परत होती है उसके लिए यहाँ ये बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ठीक है, फाइन सैंडी लेयर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन है 10 और पूछा है कि ग्राउंड वाटर इज असेस्ड बाय भूजल तक पहुँचाई जाने भूजल तक पहुंच बनाई जाती है किसके द्वारा। पहुंच बनाई जाती है जो जमीन के अंदर जल होता है उस तक किसके द्वारा पहुंच बनाई जाती है यानी कि किसके द्वारा वहां तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि पानी का कुआं, ड्रिंकिंग वेल्स, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 11 और पूछा है कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाना या अधिकता हो सकती है किसके कारण पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो सकती है। ठीक है, ये आपसे पूछा है, तो इसमें किसके कारण हो सकती है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो ये होता है आपका, बताइए इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा आपका मैथेमोग्लोबिनामिया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, इतना बड़ा नाम है देखिए, मैथेमोग्लोबिनामिया। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर ही जाएगा। क्वेश्चन है 12 और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वाटर सील लैट्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की जल सील शौचालय है, कौन एक प्रकार की जल सील शौचालय है, तो ये आपसे यहाँ पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है, ये जाएगा आपका सेप्टिक टैंक लैट्रीन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा है कि ट्रैप का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के लैट्रीन में किया जाता है। जो ट्रैप होता है, ट्रैप, ठीक है, ट्रेप का प्रयोग किस प्रकार के लैट्रिन में उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका आरसीए लैट्रिन यानी कि आरसीए शौचालय। इसका राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार का एचसी पैथेलिटिस मलम जनित बीमारी से फैलता है। किस प्रकार का HC, ये आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस। ठीक है, ये मल जनित बीमारी से फैलता है। ठीक है, अब जो ये दिया है, जो ये बीमारी दी है, इसको आई होप कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करके ना बताऊँ, आपको पता ही होगा, तो यहाँ क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए इसका राइट आंसर जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन है कि स्ट्रीट रिफ्यूजेस कोल्ड एज की स्ट्रीट अपशिष्ट किसको कहा जाता है। तो स्ट्रीट अपशिष्ट, स्ट्रीट होता है गली, गली अपशिष्ट किसको कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो जो सड़क में जो मतलब इकट्ठा हुआ हुआ जो कूड़ा कचरा होता है उसी को एक ये कहा जाता है कि अपशिष्ट। ठीक है, जो स्ट्रीट अपशिष्ट हो जाता है ये ही आपसे बोला जाता है इसको, तो बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं शहरों में या गांव में खासकर देखने को मिल जाता है कि रास्ते में एक साइड में कुछ कचरा पड़ा है, कुछ मिट्टी पड़ी है, ठीक है, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, तो वही अपशिष्ट होता है, इसी को स्ट्रीट अपशिष्ट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा है कि पीली श्रेणी में जाने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट में को छोड़कर सभी शामिल हैं। किसको छोड़कर सभी शामिल है, किस में, जैव चिकित्सा अपशिष्ट में। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि आपके विस्तृत साफ होते हैं तीखे अपशिष्ट जो होते हैं, ये आपका यहाँ राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है डियर, चलिए
क्वेश्चन है 17 और पूछा है कि सभी शिविर पाइप आम तौर पर किससे शुरू होते हैं। जो शिविर पाइप होते हैं वो आम तौर पर कहाँ से या किससे शुरू होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है यहाँ पर कि आउटफॉल एंड्स, आउटफॉल खत्म होना इसका राइट आंसर यहाँ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है और पूछा है कि अच्छी स्पीच इंटेलिजेंस स्पीच के लिए जी उसका उच्च स्तर स्पीच इंटरफेरेंस लेवल से कितना अधिक होना चाहिए। तो कितना अधिक होना चाहिए, एक होती है अच्छी स्पीच इंटेलिजेंस स्पीच के लिए उसका स्तर स्पीच इंटरफेरेंस लेवल से कितना अधिक होना चाहिए। तो कितना अधिक होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 12 डेसीबल। ठीक है, 12 डेसीबल इसका राइट आंसर जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन में हमें 12 डेसीबल दिया है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि नैरेटिव वेंटिलेशन मुख्य रूप से सभी को छोड़कर है। नैरेटिव वेंटिलेशन मुख्य रूप से सभी को छोड़कर है, क्या है देख लेते हैं ऑप्शन इसके। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से आपको राइट आंसर ऑप्शन फाइंड करके लगाना होता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लेनम वेंटिलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है और पूछा है कि छोटी सांद्रता में भी NO2 के लिए लंबे समय तक जोखिम रोग से संबंधित हो सकता है। छोटी सांद्रता में NO2 के लिए लंबे समय तक जोखिम रोग से संबंधित हो सकता है। जोखिम रोग से संबंधित का मतलब है कि यानी कि हमारे बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जो लंबे समय तक NO2 के लिए लंबे समय तक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, या क्या बोला जाता है हिंदी में बोलते हैं उसको, जैसे कि कोई बॉडी पार्ट है और वो किसी बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लंग्स इसके राइट आंसर जाएगा। ठीक है, फेफड़े। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 21 और पूछा है कि अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है। अस्पताल के अपशिष्ट के निपटान का, यानी कि उसको साफ करने का, उसको खत्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो ये आपसे पूछा है। ये हो जाएगा आपका भस्मीकरण। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 22 और पूछा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सतह के कूड़े और टॉप साइल के संचलन के लिए क्या कहा जाता है। टॉप साइज साइल के संचलन के लिए क्या कहा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सोयल यानी कि मृदा अपरदन इसका राइट आंसर जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 23 और पूछा है कि आदर्श रूप से कब्रिस्तानों में कम से कम कितने वर्ग मीटर प्रति 10,000 आबादी का क्षेत्र आवश्यक है। कब्रिस्तानों में कम से कम कितने वर्ग मीटर प्रति 10,000 आबादी का क्षेत्र आवश्यक है। आबादी का क्षेत्र आवश्यक है यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, कितने वर्ग मीटर प्रति 10,000 आबादी का क्षेत्र आवश्यक है, तो ये आपसे पूछा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1500 इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन है 24 और पूछा है कि मृतकों के निपटान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सभी विधियाँ को छोड़कर क्या है। यहाँ पर दिया है आपको कि कौन सी विधि को छोड़कर ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जमीन दफन भी किया जाता है, दाह संस्कार भी किया जाता है। ठीक है, तो जो आम तौर पर मृतकों के निपटान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां हैं, किसको छोड़कर विधियां हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सैसंगर, ये यानी कि ये वाला डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक्सपोश्योर इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 और पूछा है कि निम्नलिखित सभी लार्वा विरोधी उपाय हैं किसको छोड़कर हैं। लार्वा विरोधी उपाय हैं किसको छोड़कर हैं, जो ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको फाइंड करना है।
तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा आपका DDT, ठीक है, DDT, लाल दवा भी इसको बोला जाता है, ठीक है डियर। चलिए क्वेश्चन है 26 और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है, कौन स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कौन स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित आपका आता है, तो ये आता है हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक। चलिए क्वेश्चन है 27 और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक बहुत प्रभावी तरीका है, कौन सा तरीका है, देख लेते हैं। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो यहाँ क्या आंसर हमारा जाने वाला है, कौन सा एक बहुत प्रभावी तरीका है ये हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कि ग्रुप डिस्कशन, यानी कि एक समूह बना के उसमें चर्चा करना, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ हमारा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 28 और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोक्रेटिक मैथड ऑफ टीचिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन यानी कि प्लेन डिस्कशन इसका राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हमारा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 29 और पूछा है कि जो लोग अनपढ़ अंधे हैं उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है, किसके माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, जो लोग ना पढ़े हुए हैं और जो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, श्रव्य दृश्य के द्वारा, ऑडियो विजुअल मीन्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 30 और पूछा है कि स्वास्थ्य संचार के कितने मुख्य प्रकार हैं, स्वास्थ्य संचार के कितने मुख्य प्रकार हैं ये आपसे पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ प्रकार इसके होते हैं, यानी कि चार टाइप होते हैं। चलिए क्वेश्चन है 31 और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन स्कूल स्वास्थ्य के समन्वय का प्रमुख घटक नहीं है, कौन नहीं है, देख लेते हैं। चार ऑप्शन हमें दिए हैं, एक है शारीरिक शिक्षा, कंप्रोहेंसिव स्कूल हीट एजुकेशन, छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य विद्यालय का वातावरण। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का एक सही प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, कौन एक स्वास्थ्य शिक्षा का एक सही प्रिंसिपल नहीं है, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब होता है एक सही नियम नहीं है, ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है तो बताएंगे। देखिए क्या हो जाता है कि अननोन टू नोन, यहाँ क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात, ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 33 और पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर संवेदी अंग हैं, किसको छोड़कर संवेदी अंग हैं, आइज नोज लैग स्किन, किसको छोड़कर है भाई संवेदी अंग, तो ये आपको बताना है, जो लेग्स आपकी होती हैं, लेग्स को छोड़कर बाकी सभी आपके संवेदी अंग हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका 34 और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मानव व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक मानव व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है, तो ये हो जाता है आपका सोसाइटी यानी कि समाज, जिसे आजकल बहुत ही चर्चा में रखा जाता है, समाज, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 35 और पूछा है कि जो मनुष्यों की जन्मजात आदतों के बारे में सच नहीं है वो क्या है, ऑप्शन दिए हैं खाने की आदत, सीखने की आदतें, आदतें डालना, देखने की आदतें। तो जो जन्मजात यानी कि जो जन्म से आदतें सच नहीं हैं वो कौन सी हैं, जैसे बोला जाता है कि भाई इसको बच्चा तो ऐसे कर रहा है, अब वो कुछ सच होती हैं कुछ नहीं होती हैं, तो इस टाइप से यहाँ आपको पूछा गया है। तो जो खाने की आदत होती है ये जन्मजात बिल्कुल भी नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर यहाँ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 36 और पूछा है कि मधुमेह के रोगी में रक्त शर्करा के स्तर को कितने पढ़ते हैं,
जो रानी की होता है ब्लड शुगर लेवल, इसे रक्त शर्करा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा 120 मिलीग्राम DL से अधिक, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 37 और पूछा है कि रूमेटिया हृदय रोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति है, कौन सी स्थिति है ये आपको बतानी है। तो इसमें क्या दिया है आपको कि कान संक्रमण, आँख का संक्रमण, गले में तकलीफ और फेफड़ों का संक्रमण। तो यहाँ हो जाएगा हमारा गले में तकलीफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 38 और पूछा है कि उच्च रक्तचाप की प्राथमिकता रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, यानी कि जैसे अगर घर पे हैं तो हम उसे खुद से ही उसका उपचार कर सकें, उसे बोला जाता है प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जो मतलब उच्च रक्तचाप की यानी कि हाई BP जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसे ये बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा कि हाई उच्च कैलोरी कार्बोहाइड्रेट आहार, बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 39 और पूछा है कि DPT टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी साइट कहाँ है, DPT टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी साइट कहाँ है ये आपसे पूछा है। तो इसकी जो सबसे अच्छी साइट होती है ये होती है जांघ का पार्श्व पहलू। ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और पूछा है कि स्टरलाइजेशन के निम्नलिखित तरीकों में से किसका बीजाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन दिए हैं आपको, चार ऑप्शन दिए हैं, तो किसका प्रभाव, किस पर नहीं होता, बीजाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये हो जाएगा ड्राइंग यानी कि सूखना या सुखाना, इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन है किसी रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या है। भाई अगर यदि कोई रोगी है और उसकी जांच आप कर रहे हैं तो सबसे पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो जो पीड़ित है, जो रोगी है, उससे बात करें, उसके कंधे को झटका दें, ये हो जाता है यहाँ पर सबसे पहली कार्रवाई। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। उसको चेक करना होता है कि ये सही से बोल पा रहा है या नहीं। क्वेश्चन है 42 और पूछा है कि जले की तीन अलग अलग गहराई को क्या नाम दिया गया है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हमें, चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि जले की तीन अलग अलग गहराई कौन सी होती हैं। तो ये होती हैं, एक हो जाएगी यहाँ पर सतही, आसंक मोटाई, पूर्ण मोटाई। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 43 और पूछा है कि आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं, यानी कि आप सांस ले रहे हैं तो उसकी जांच कैसे करेंगे ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका कि देखो, सुनो और महसूस करो, यानी कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 44 और पूछा है कि एंजाइना का कारण क्या है, एंजाइना का कारण क्या है ये आपसे पूछा है। तो 44 क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है कि एंजाइना का कारण क्या है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन देखना है। तो ये हो जाएगा हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचने वाला अपर्याप्त रक्त, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है 45 और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास के महत्व के बारे में सच नहीं है, अभ्यास के महत्व के बारे में सच नहीं है, कौन सा सच नहीं है। तो ये हो जाता है कि अच्छे भाषण का सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड स्पीच, कि आप अपने स्पीच में अच्छा और सुधार करें, ये आपका यहाँ हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन है 46 और पूछा है कि आपके हाथों को कब तक धोना चाहिए, यानी कि जो एक अच्छे तरीके से हाथ धोने का समय है वो क्या होता है, कि हाथ धोने का एक अच्छा समय कब तक हमें हाथ धोने चाहिए।
तो ये हो जाता है 20 सेकेंड तक हमें अपने अच्छे से हाथ धोने चाहिए, जो इसका सही समय है 20 सेकेंड है। कुछ लोग क्या करते हैं, आए पानी उनके हाथों पर गिरा और बस ऐसे ही चले गए, ठीक है। तो ये हमारा सही तरीका हाथ धोने का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है 47 और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की दुर्गंध को रोकने का तरीका नहीं है, कौन सा शरीर की दुर्गंध को रोकने का तरीका नहीं है यह आपसे पूछा गया है। तो भाई इत्र का छिड़काव करें, आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं स्मेल आ रही है, इत्र लगा लिया, है ना। तो ये शरीर की दुर्गंध को रोकने का तरीका नहीं है, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 48 और पूछा है कि उर्वरता क्या है, उर्वरता क्या है यह आपसे पूछा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया है जनसंख्या के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, और दिया है हमें कि देश की आबादी में बच्चे के जन्म की घटना, बच्चों की अधिकतम संभावित संख्या को हर साल पैदा हो सकती है, किसी दिए गए वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर क्या है यह आपसे पूछा है। ऑप्शन दिए हैं आपको चार और पूछा गया है कि बताइए मृत्यु दर कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक वर्ष के दौरान जन्म की संख्या, ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 50 और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया जाता, कौन सा नहीं किया जाता। तो ये होता है चिल्ड्रंस एलोवेंस की बच्चों का भत्ता, यहाँ राइट आंसर आपको जाएगा। तो मिलते हैं डियर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्लासें लेते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए।